और भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में प्रियंका गांधी क्या कह रहे सुनते हैं। मोबाइल मेरे भाई, शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत लंबी यात्रा है, कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे क्या होगा, लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। हेलो, वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ भारत में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि यह देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और भारी बर्फबारी के बीच स्टेडियम के अंदर आपने प्रियंका गांधी का संबोधन सुना। यहां पर देखिए भारी बर्फबारी हो रही है और इसी बीच राहुल गांधी को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। करीब 4000 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो यात्रा ने तय करके श्रीनगर तक की यात्रा पहुंची है। 14 राज्य और 4000 किलोमीटर का सफर, 145 दिनों का लंबा सफर राहुल गांधी पैदल चलते हुए कन्याकुमारी से
कश्मीर तक पहुंचे और यहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। कार्यक्रम स्थल पर आप देख सकते हैं एसके स्टेडियम में ये भारी बर्फबारी के बीच समापन समारोह, जिसमें बताया अभी तक ये जा रहा है कि 10 राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इन सब के बीच दाहिनी तरफ भी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो रहा है। समापन से पहले श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, आपको वो भी दिखा रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फबारी का लुत्फ उठाते इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस यात्रा में शरीक जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं उनके साथ भी राहुल गांधी यहां पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं बर्फ के बीच। प्रियंका गांधी के सर पर वो बर्फ डालते हैं और फिर प्रियंका गांधी उनके ऊपर बर्फ डालती हैं। ये हंसते खेलते तस्वीरें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। भारत जोड़ो यात्रा वो इस तौर पर भी याद रखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर जब ये यात्रा पहुंची श्रीनगर में, जब समापन समारोह हो रहा था उससे पहले जबरदस्त बर्फबारी हुई है और इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी के बीच वहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, बाकी दलों के प्रतिनिधि। 21 दलों को न्योता दिया गया था इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 दल के नेता ही इस न्योते को स्वीकार करके यहां पर पहुंचे हैं। जेएमएम की तरफ से प्रतिनिधि पहुंचे हैं, बताया जा रहा है कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। समापन समारोह में शेर कश्मीर स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहा है और शेर कश्मीर स्टेडियम की जो तस्वीर है वो बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फ गिर रही है। तो जम्मू कश्मीर में कई जगह ऐसे हैं जहां पर 3 फीट तक बर्फबारी हुई है और इन सब के बीच शेर कश्मीर स्टेडियम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त बर्फबारी के बीच वहां पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं शेर कश्मीर स्टेडियम में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। प्रियंका गांधी ने अभी अभी संबोधित किया है यहां पर पहुंचे लोगों को। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एक तरीके की धार्मिक यात्रा रही, एक तरह से धार्मिक यात्रा भी आप इसे कह सकते हैं। इस वक्त भी कार्यक्रम चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दाहिनी तरफ कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बर्फ के साथ खेलते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं को देख सकते हैं। ये मस्ती का वक्त है इनके लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बाईं तरफ देखिए भारी बर्फबारी चल रही है और वहाँ पर जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और जिन्हें न्योता दिया गया था जिन पार्टियों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, उनके जो नेता हैं वो कड़कड़ाती ठंड के बीच शेरे कश्मीर स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोगों के हाथों में छतरी है, बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे ही ठंड में इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बाई तरफ हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अर्जुन खड़गे जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ डाइस पे आके जो मजमा इस बर्फबारी में कांग्रेस वर्कर है और बाकी जो सारे लोग आए हैं उनको खताब करें। थैंक यू वेरी मच। काला का दिख रहा है, मैं बैठी हूँ काला का दिखेगा, पीछे तो मीडिया के हालात दिखाऊंगी। बुला रही है मैडम आपको, भारत जोड़ो यात्रा जा रहा ट्रेन बाबू कम्प्लीटेड यात्रा इसको दिखा दो ना, एनआई वाली को ऑल ओवर इंडिया ट्रेन देखो पीछे कांग्रेस वर्कर्स आर रिकॉर्डिंग हो रही है इलेक्ट्रीफाइड यात्रा और लीडर राहुल गांधी मेड इट एस ए ग्रैंड हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री पीपल ऑफ इंडिया इज नाउ सेइंग इन वन वॉइस यू नो दैट नफरत के बाजार में मोहब्बत में दुकान खोलो दिस इज द स्लोगन गिवन बाय राहुल गांधी एवरीबडी इन इंडिया इज टेकिंग इट
Our honorable Congress president has given full strength for this yatra. Now, the successful completion of yatra will be completed by Rahul Gandhi ji. Congress president will facilitate it. Rahul Gandhi ji. तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी को शॉल दे करके उनका सम्मानित उन्हें सम्मानित किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, और अब उनका संबोधन होने जा रहा है। ये यात्रा यहीं संपन्न हो रही है और संपन्न यात्रा के होने के वक्त में किस तरह की बर्फबारी हो रही है आप देख सकते हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे सुनते हैं। चुप हो जाओ। और इस मंच पे बैठे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी पार्टी के नेता इस मंच पे बैठे हैं, क्षमा करना समय के अभाव से मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सबको याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा, क्योंकि बर्फ भर रही है। ये हम कर्नाटक से आए हैं, ये नई चीज है हमको कि इतना बर्फ पड़े छता, और अब देखे नहीं एक नया माहौल और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थे। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि छप इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे, तो हमको घबराहट हो गई कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। थोड़ी देर बात कर लियो यार, लेकिन एक मिनट एक शेयर करके शुरू करता, इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पर खुद नजदीक आती गई, खुद पर खुद मेरा नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं, और उनके साथ जो यात्री चले रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो धूप हो ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए, 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं
धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में मुझे कश्मीर में जो दो चार दिन में हमको उनके साथ छोड़ने का लोगों का जो हौसला देखा, स्पीड देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर रैंक से मिलने की उन्होंने कोशिश की, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवे में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे थे, तो वो आज राजू राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ उलट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोग उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, जहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, गांधी जी का इरादा है, इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेट हुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर एक स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के आधार में मोहब्बत का दुकान खोलो और हाथ भी खोलो। और उसी में मैं आपसे यही कहूँगा, आप कितने फर्क होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उसका साथ दिए, आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ
सुना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई, आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए, इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को माफ करता हूँ। जय हिंद। आप एक भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार करते हुए मेरे भाषण को स्वागत करता हूँ। अब आपके सामने राहुल गांधी जी भाषण करेंगे, उनकी बात आप सुनिए। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप आज यहाँ फर्श पे खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था, प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम, ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा।
मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, अरे छाता वाला व्हाइट वाला फिर बड़ी फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था, घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको। दर्द गायब हो गया, अरे क्या करा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई, पूरा अहंकार उतर गया, और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। झंडा बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, ओ तिरंगा भाई, ओ ओ तिरंगा, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं, और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरे व्हाइट वाले आ नीचे कर, आप व्हाइट छतरी तुम्हारी नहीं चल सकते, व्हाइट वाला आगे वाला, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे, मगर मैं दिल में व्हाइट आपके साथ आपके साइड में चल रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो, और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था, और 4 बच्चे आए, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, कह देता हूं,
छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको बोलो छाता नीचे करो क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे यहाँ से रहना चाहता था। दादा उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा, चेयर पे खड़े तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, नीचे उतरो, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको जैकेट व्हाइट जैकेट मैंने व्हाइट जैकेट ओ व्हाइट जैकेट चल रहा था हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला राहुल जी यार अरे उसको नीचे करो जैकेट, ये गंदे हैं नीचे उतरो यार, इनके इनके पास आपको चेयर पे खड़ा होकर ताली बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है, तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे, जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा आपको नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो मगर पुलिस को बताइए, और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूँ। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से अलाहाबाद छाता की ओर, छाता, और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। छाता घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था सरकारी घरों में रहा, मेरा अपना घर नहीं है, तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना,
वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, छाता वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता। घर मेरे लिए एक छाता, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। छतरी छतरी नीचे करो, सुनता नहीं है यार। और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर छाता। अभी कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है, सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है पना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है, और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात, इसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जंतु कहा जाता है, असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही, कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वहाँ बसवा जी ने ये बात कही, केरल में नारायण गुरु ने ये बात की, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की, और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं, लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण, अपनी कमी देखना। कैमरा और क्लोज दिखाओ, इससे क्लोज नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था, अलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है, तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए उस सोच को, और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था। उत्तर प्रदेश में गंगा लो ब्लैक, उसका छतरी लेके हटाओ यहां से। तो उन्होंने मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया, जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें धर्म भी है, उनके पास भी
वही सोच शून्यता की सोच उधर भी है। अरे ऑटो वो देखो कुर्सी पर चढ़ गया, वो उसको ले गए और उस विचारधारा को सोच को गंगा में उन्होंने रखा। लो तो मैं ये सोच रहा था ये तो और आगे हो गया जहाँ आ रहा लो छतरे लो और मुझे उसको सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सको जम्मू में भी चल सकते हो मगर आखिरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन चार दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापस जा रहा हूं चार दिन पैदल चलूंगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं तो मैंने मौका दिया मैं चार दिन चलूंगा बदल दो टी शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी दादी को गोली फिर ऊपर कर दिया भाई ये क्या कर रहा है 14 साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी ये बात डोभाल जी को भी नहीं समझ आएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी उनके परिवार को परिवारों को समझ आएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम ओंगमू है उसका उसने कहा दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापस गए
और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे उनके घर टेलीफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं, मेरे दिल में वही हुआ है। तो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष्य है, कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हों, फोन कॉल बंद हो। पीछे करा भैया, हाथ से करा गए भैया, हेलो उसके बोले किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। अब देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं, मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जो मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं,
जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ, तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णो जनतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं, बसवा हैं, नारायण गुरु हैं, तिरुवल्लुवर हैं जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं, फूले जी हैं, और जो कश्मीरियत है, ये इस विचारधारा पे आक्रमण करते हैं। और ये जो विचारधाराएं हैं, ये इस देश की नींव है, इस देश की फाउंडेशन। और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया। मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे, मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया, मैंने ये काम और हम सब। खबर आपको बता दें, श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज, और आपको बता दें शेरे कश्मीर स्टेडियम में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी इस समय रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा हूं, ये कहा है राहुल गांधी ने। कश्मीर के लोगों के साथ देश खड़ा है, ये कहा राहुल गांधी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका के संबोधन से आंखों में आंसू आ गए।